नमस्कार दोस्तों, COVID-19 की वजह से देश की हालत क्या है अब सब लोगों को मालूम है। COVID-19 की वजह से आज के दिन पे देश की हर हॉस्पिटल पे सख्त कमी है हॉस्पिटल बेड की, ऑक्सीजन की एंड वेंटिलेटर की। इस डेंजर सिचुएशन में आप लोगों को फुल्ली रेडी रहना पड़ेगा कि अगर आपके फैमिली कोई मेंबर या फ्रेंड में कोई किसी का कोविड पॉजिटिव हो गया तो शायद आप लोगों को हॉस्पिटल में बेड या डॉक्टर ना मिले। तो आप लोगों को मजबूरन इस पेशेंट को घर पे रखना पड़ेगा एंड घर पे उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो आज मैं इस वीडियो पे घर पे कैसे एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊँगा। अगर आपके घर पर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो एट फर्स्ट आपका काम होगा उसको होम आइसोलेट कीजिए। होम आइसोलेट के बाद उसको मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है और मॉनिटरिंग करने के लिए आपको चाहिए मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट में दो तीन चीज़ आ जाते हैं। तो एट फर्स्ट आ जाते हैं थर्मोमीटर और इन्फ्रारेड थर्मोमीटर। मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि इन्फ्रारेड थर्मोमीटर ही यूज़ करें कि इसमें क्या होगा, आपको पेशेंट को बिना सुए उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। नंबर दो पे आपको चाहिए पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेटेड मेजर करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर। उसके बाद आपको चाहिए ग्लोव्स। उस पेशेंट को जो केयर करेगा उसके लिए ग्लोव चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए हैंड सैनिटाइजर चाहिए एंड गार्बेज डिस्पोजल बैग भी चाहिए। एंड हो सके तो उस पेशेंट के लिए एक सेपरेट टॉयलेट आपको अरेंज करना पड़ेगा। कोविड पॉजिटिव पेशेंट जिस रूम पे रहेगा उस रूम की फैन एंड द खिड़की हमेशा खुला रहना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ किया है ये सिर्फ किया है कि इस कोविड पेशेंट के वजह से दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड ना हो। अभी इस कोविड पेशेंट को तीन चीज़ रेगुलरली मेंटेन करना पड़ेगा जिसका मैंने टेबल साइड में दिया हो। एट फर्स्ट है उसका टेम्परेचर, उसके बाद ऑक्सीजन सेचुरेटेड एंड द पल्स। अगर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो उसको पैरासीटामोल दे सकते हैं। उसके बाद आपको मेजर करना पड़ेगा ऑक्सीजन सेचुरेटेड। अगर ऑक्सीजन सेचुरेट 94% से ज़्यादा है तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरी नहीं है, उसको आराम से मेजर करते रहे, कोई हॉस्पिटल में भी एडमिट करना नहीं पड़ेगा। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेट 92% से 94% तक अभी चल रहा है तो उसको एवरी 4 आवर में उसको मेजरिंग करते रहना पड़ेगा। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सेचुरेट 92% से नीचे आ गया तो इस सिचुएशन में अगर आप लोगों को कोई भी हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल बेड मिल जाते हैं तो इस सिचुएशन में उसको हॉस्पिटल पे एडमिट करना अच्छा होगा। नहीं तो घर पे किसी डॉक्टर की एडवाइस से हाइड्रोकॉर्टिसोनेट 150 टेबलेट उसको पिला सकते हैं। रात में सोने के टाइम पे पेशेंट को बोलिए कि प्रोन पोजीशन पे सोए, इस कुछ इस तरह से। ये टोटली साइंटिफिकली प्रूफ है। इस तरह से सोने से क्या होता है, पेशेंट का जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल वो इंक्रीज हो जाते हैं। इस सिचुएशन में हो सकते पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लीमेंट्री की भी जरूरत हो, इसलिए आप लोगों को घर पे एक ऑक्सीजन सिलेंडर आपको रेडी रखना पड़ेगा और इसका फ्लो रेट आपको 2-4% पर मिनट मेंटेन कर सकते हैं एंड ज़रूरत होने से इसको इंक्रीज करके 6 लीटर पर मिनट तक इंक्रीज कर सकते हैं। इस सिचुएशन में पेशेंट का डिहाइड्रेशन हो सकते हैं, इसके लिए आप इंश्योर रहे कि पेशेंट सफिशियंट पानी पी रहा है। ये सारे बात मैंने आप लोगों को बोला है कि एडवाइस की तरफ से। अगर आपके घर पे कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है तो हो सके कोई भी डॉक्टर को फ़ोन करके भी एक इनिशियल असेसमेंट करा ले, इससे सबसे बेहतर रहेगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं और एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी हर हॉस्पिटल पर COVID-19 का वैक्सीन अवेलेबल है और COVID-19 वैक्सीन लेने के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो काइंडली शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।